शुक्रगुजार हूँ कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने और इंटरनेशनल ब्रिजेस फॉर जस्टिस ने मुझे मौका दिया है कि मैं युवा अधिवक्ता से बातचीत कर सकूँ और अपने कुछ विचार. मेरा जो लेक्चर है उसको मैंने इसीलिए जानबूझ के दो भागों में बांटा. सर्वप्रथम तो मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि फेयर ट्रायल में एक डिफेंस काउंसिल का रोल क्या होता है और कोर्ट आप लोगों से क्या उम्मीदें रखती है. दूसरा और उस पहले भाग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, पहले तो हम ये समझें कि वकीलों का योगदान क्या होता है, रोल क्या है और एक अच्छे वकील बनने के लिए आप लोगों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे कि आपको क्या गोल अदा करना है इस पिक्चर में, तब तक आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर सकते. अगर मुझे कॉमेडियन का रोल अदा करना है तो मैं सीरियस नहीं हो सकता उस पिक्चर में. अगर मुझे एक हीरो का रोल अदा करना है तो मैं बिल्कुल लिप्पू नहीं हो सकता उस पिक्चर में. फिर मुझे हर तरह के हाव भाव की जरूरत पड़ेगी. तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि हम समझें हमारा वकीलों के हैसियत से रोल क्या है, न केवल अदालत में और अदालत के बाहर भी, क्योंकि वकील की जो सीमाएं जो केवल अदालत तक नहीं है, अदालत के परिसर तक नहीं है, आप सुबह उससे भी ज्यादा रोल है समाज में. तो ये वो मेरा दूसरा भाग होगा. सर्वप्रथम तो हम ये समझे कि फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट कहां से आया. ये कोई चीज है जो वेदों में लिखी हुई है, गीता में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई, कुरान में लिखी हुई है, ये फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, कहां से इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ. इसका इतिहास अगर हम देखें तो वैसे तो ये कई सारी सभ्यताओं में एक कॉमन डिनोमिनेटर है. अंग्रेजों का जरूर कहना है कि फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन लॉ की देन है. तो अगर आप विश्व इतिहास को देखें एक साथ तो आपको पता चलेगा कि फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू जुरिसप्रूडेंस में भी उतना ही था जितना कि अंग्रेजी अंग्रेज लोगों के जुरिसप्रूडेंस में. परंतु इसकी शुरुआत जो हम मानते हैं, हम मानते हैं कि प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत है जिसको ग्रीक लोगों को जिसका श्रेय जाता है, उन्होंने दो सिद्धांत कायम किए प्राकृतिक न्याय. सर्वप्रथम कि आप किसी भी केस में बायस नहीं हो सकते हैं, आप किसी भी केस में पार्शियल नहीं हो सकते हैं, आप किसी भी केस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. जो कोई भी न्यायाधीश है वो ऑब्जेक्टिवली सुनेगा. अगर उसके मन में थोड़ी सी भी खोट हो तो अपने आप को हटा ले उस केस से. कोई भी अगर उसके इंटरेस्ट हो उस केस में तो कृपया करके अपने आप को हटाए उस केस से. और दूसरी चीज और जो सबसे अहम है हमारी भूमिका के लिए वो है कि आप इसके पहले कि आप किसी को सजा दें, आप कृपया करके उसको सुनवाई का मौका दें. द राइट ऑफ हियरिंग जिसको हम लैटिन में कहते हैं ऑडी फॉल्टम पार्ट, यानी कि आप दूसरे पक्ष को सुने, उसको संपूर्ण मौका दें सुनवाई का और उसके बाद ही आप अपना निर्णय. और ये होता भी है हमारे घर में भी, अगर दो बच्चे लड़ते हैं तो हम दोनों बच्चों की बातें सुनते हैं. फिर वो कहते हैं इसने मेरी टॉफी खा ली, तो दूसरे से पूछते हैं भाई खाई कि नहीं खाई. वो कहता नहीं मैंने टॉफी नहीं खाई, मैंने तो टॉफी नहीं देखी अभी तक घर में. ठीक है, तो ये जो चीज है हम उसी चीज को हम न्यायालय में जाते हैं. दूसरी चीज जो कॉमन लॉ है जिससे हमारा पूरा कानून का जो स्रोत है जो अंग्रेजों का कॉमन लॉ कहा जाता है, उसमें भी एक ये चीज थी. और सर्वप्रथम फौजदारी का अगर कोई सिद्धांत है तो वो ये है कि हर व्यक्ति को हम निर्दोष मानते हैं जब तक उसको दोषी नहीं साबित करता. और ये केवल कॉमन लॉ का ही सिद्धांत है. ये जरूरी नहीं कि ये जो सिद्धांत है पूरी दुनिया भर में छाया हुआ, नहीं ऐसा नहीं है. इंग्लैंड में ये सिद्धांत है और जहां जहां अंग्रेज गए उस सिद्धांत को लेकर अपने साथ गए. यूरोप में दूसरा सिद्धांत है, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, कि हर एक व्यक्ति दोषी माना जाता है जब तक वो अपनी निर्दोषता को साबित नहीं करते. बिल्कुल इसका विपरीत सिद्धांत चलता है यूरोप में. इंग्लैंड में ये नहीं, इंग्लैंड में है कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक आप उसको दोषी नहीं साबित करते. अभी इसको दोषी साबित करने का भार किसके ऊपर है, इसका भार एक स्टेट के ऊपर. पहले राजाओं के ऊपर हुआ करता था, आज की तारीख में स्टेट के ऊपर ये भार. इसकी जो शुरुआत हुई 1215 में
जॉन द फर्स्ट जो किंग थे उनके अंडर में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा एक बहुत फेमस चार्टर था जिसमें लोगों ने ये कहा कि आप मुझे जब अरेस्ट करेंगे तो कृपा करके राजा साहब मुझे आप ये बताएं आप किस बात के लिए मुझे अरेस्ट करें। 1215 तक ये था इंग्लैंड में कि किसी भी व्यक्ति को राजा कह सकता है इसको अरेस्ट कर दो और तहखाने में पटक देना। उसको कोई जरूरी नहीं थी बताया जाए कि किस कारण से उसको अरेस्ट किया जा रहा। इस चीज को लेकर इंग्लैंड में बहुत आक्रोश है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे मनमानी तरीका राजा का नहीं चल सकता। अगर मुझे अरेस्ट करने आप आए तो सर्वप्रथम आप मुझे ये बताएंगे कि आप मुझे किस बात से अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज आप मुझे ये बताएंगे कि मेरे अधिकार क्या क्या क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मेरे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राजा भी जिनको हटा नहीं सकता है उसे छीन नहीं सकता है जो इवेंचुअली हमारे बने फंडामेंटल राइट्स। तो 1215 में जो एक मैग्ना कार्टा चार्टर लिखा गया और एक संधि की नागरिकों और राजा के बीच में जिसमें नागरिकों ने राजा साहब को उल्टे जवाब दिया कि अब आप मनमानी तौर तरीका नहीं अपना पाए। तो फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो 1215 में जाकर शुरुआत हुई इसकी कॉमन लॉ की जैसे उन्होंने कहा कि नहीं जब कभी भी आप किसी बंदी को अरेस्ट करने जाएंगे तो सर्वप्रथम जो वहां का शेरिफ होता है यानी कि वहां का डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो जाके उस बंदी को बताएगा कि देखिए आपके ऊपर आरोप ये लगा हुआ है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर मर्डर का आरोप लगा है कर्ज का आरोप लगा है मैं आपको कहूंगा कि देखिए मैं आपको अरेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फलाने व्यक्ति ने आपके ऊपर एक कर्ज का मुकदमा किया या चोरी का मुकदमा। तो ये तो इसका स्रोत हुआ। अब अपन बात करते हैं कि रोल ऑफ डिफेंस काउंसिल क्या होता है। जब आप कहते हैं मैं डिफेंस काउंसिल हूं या अक्यूज का काउंसिल हूं या अभियुक्त का मैं वकील हूं तो आपका रोल क्या है। आपके रोल दो तरीके के सर्वप्रथम कि आप न्यायालय की मदद करें असिस्ट करें आप उसके वकील बाद में बनेंगे पहले आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो आप हर चीज वही काम करेंगे जो न्यायालय को मदद करेंगे। इसका मतलब आप प्रोसीडिंग्स में अड़ंगे काम लगाएंगे और मदद ज्यादा करेंगे। दूसरी चीज ये आपका फिर निश्चित होगा कि आपका और हाकिम का रिश्ता क्या और ये रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर लोग गुजरे की एक वकील और एक हाकिम का रिश्ता क्या होगा और इसलिए आप डराने पड़ने लगी बात को बीच के बेंच के बीच। जब आप किसी भी व्यक्ति को कहते हैं और संबोधित करते हैं कि योर ऑनर माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप तो ये जो तीन शब्द हैं ये हमें बता देते हैं आप किस स्थान पे खड़े हैं। एक वकील जो होता है वो दरबारी होता है क्योंकि वकालत जो शुरू हुई थी पुराने जमाने में वो राजा के दरबार में जब वो दरबार में जाके केस पेश करता था या किसी काजी के सामने पेश करता था या किसी के हाकिम के सामने पेश करता था तो जो हाकिम था वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था राजा के द्वारा। तो एक राजा का एक प्रतीक था जो आपके सामने बैठा हुआ इसलिए वकील को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि दरबारी कौन होता है और दरबारी के रोल क्या होता है क्या पर्सनैलिटी होती है दरबारी। जाहिर है कि अगर मैं दरबारी और मैं एक राजा के सामने खड़ा हूं मैं राजा से बदतमीजी नहीं कर सकता। जाहिर है मैं जितना अदब तमीज तहजीब से राजा के सामने पेश आऊंगा उतना ही बेहतर मैं राजा का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ा भी बदतमीजी से पेश आया तो वही वही बात होगा जो शिवाजी का हाल हुआ था औरंगजेब के सामने जब शिवाजी ने बदतमीजी की थी बादशाह औरंगजेब से। बादशाह औरंगजेब का बस एक ही हुक्म था इनको जेल में डाल देना और वो 6 महीने तक जेल में पड़े गए। तो सर्वप्रथम आप ये समझे जब आप हाकिम को संबोधित कर रहे तो आप उसको विनम्रता से तमीज तहसीब अदब से संबोधित करें क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उस हाकिम की ईगो बहुत बड़ी है। अगर एक जज की ईगो बड़ी है तो जज को जज होना ही नहीं चाहिए परंतु इसलिए क्योंकि आप उस कुर्सी को संबोधित करते हो और वो कुर्सी आदरमा अगर आप उसका अनादर करेंगे तो जाहिर है आप जनता उसका आदर कभी नहीं करेंगे। अगर आम जनता आदर नहीं करेगी हमारे न्यायालयों की तो कोई आपके पास नहीं आएगा क्योंकि उस आम जनता का विश्वास उस न्यायपालिका से उठ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मौके लाते रहे तो सबसे पहले तो आप उस न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखें। दूसरी चीज आपका रोल है
एज अ डिफेंस काउंसिल आप अभी उठे वकील तो आप वही सारी चीज करें जिससे आप उसको प्रोटेक्ट करते चले और उसके लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। कोई भी जब आपके पास मुक्ति लाता है तो आप ये मत सोचिए जैसे अक्सर प्राय सोचा जाता है कि चलो आज एक मुर्गी आ गई। हम लोग भी बहुत खुश थे जब हम लोग वकालत में शुरू किया था, लगता था चलो आज कम से कम 1000 रुपए कमा लिया, घर जाके तो बता पाएंगे कि पेट्रोल का पैसा फूक के नहीं आए, आज कमा के लेके आएगा। परंतु वो मुर्गी नहीं है, वो जो व्यक्ति आपके पास आया वो बहुत दुख और दर्द के साथ आपके पास आया क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है अपने आप को बचाने का। और खासकर वो व्यक्ति जिसके ऊपर एक क्रिमिनल केस शुरू हो चुका है और हो सकता है कि वो एक बहुत ही निर्दोष व्यक्ति एक बहुत अच्छे समाज के कष्ट से आया, बहुत अच्छे परिवार से आया और अचानक उसको लगता है कि मेरे ऊपर ये क्या मुसीबत आ गई, राहु केतु शनि सब मेरे ऊपर प्रहार कर रहे और मैं फंस गया। इसलिए जब आपके पास आता है तो इस उम्मीद और आशा के साथ आता है कि आप उसको किसी भी हालात में आप उसको निकाल पाएंगे, उसको बचा पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कई लोग होते हैं, कई वकील दोस्त मुझे उस वक्त भी कहते थे अरे यार ये आता है बहुत दिमाग खा कर देगा, बहुत परेशान करता, मुझे मौके पसंद नहीं है, तुम डील कर दो। उसका एक कारण है वो बहुत पीड़ा के साथ आया। जैसे हम जब बच्चे थे ना तो हम जब रोते हुए जाते थे माँ के पास तो पूरी पीड़ा रहती थी माँ को, उसी तरह वो वकील आपके पास आया क्योंकि उसके पास आज की तारीख में कोई भी नहीं है जो उसकी पीड़ा समझे। वो ये उम्मीद करता है आप लोग से कि आप उसकी पीड़ा समझोगे। इसलिए एक डिफेंस काउंसिल को सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट होना पड़ता है कि मैं समझूं तो सही क्या आदमी किस प्रवृत्ति का है, क्या ये बिल्कुल इनोसेंट है या चालाक खोपड़ी है, ये बहुत शातिर आदमी है। क्योंकि कई बार आपके पास ऐसे भी आएंगे मौके जो आपसे ज्यादा बेहतर ज्ञान रखती है उसका। जब हम कस्टम डिपार्टमेंट के वकील थे एक बार एक स्मगलर मेरे चेंबर में आया जिसमें मुझे लगा कि वो कस्टम एक्ट था वो चलता फिरता वो अपनी इनसाइट को ठीक किया। उस आदमी ने मुझसे कहा देखिए नोटिफिकेशन नंबर ये है इसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं जॉब स्पीड के नोटिफिकेशन निकाला था जिसका इस केस में किया गया था, इस केस का ये इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट ने ये था इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं बैठे बैठे उस आदमी की तरफ देखता रहा कि स्मगलर है लॉयर है और तो उसको कितनी नॉलेज थी कस्टम एक्ट कि वो हम जैसों को अच्छे अच्छों को पढ़ा सकता था। और कई ऐसे आएंगे जो इतने शातिर होंगे जो आपको पहली बात में कुछ नहीं बताएंगे, परंतु आपका कर्तव्य कि आप उसको पूरा ग्रिल कीजिए, क्रॉस एग्जामिन कीजिए, एक एक बात पूछिए। और मैं आपको इसका एक ही उदाहरण दूंगा। मैं जब पार्टनर करने वाला साहब के साथ था एक मर्डर केस आया जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 32 बार चाकू से मारा रात के अंधेरे में। अब अंडेर वाला साहब उसको साथ लेके बैठे, उन्होंने कहा अच्छा बताओ हमला बताओ हमला समझाओ, उसे एक एक चीज समझाई, बेड कहां था, कुर्सी कहां थी, टेबल कहां थी, रोशनी कहां से आ गई। इतना उन्होंने उसको ग्रिल किया कि पूछिए मत, जब तक वो सारी चीज नहीं उनको एक एक बारीकी से बता। कुछ एक मौके लाएंगे आपके पास, जैसे इंजीनियर साहब मेरे पास आए थे, बार बार मुझसे कहे साहब आप मेरा वो बैंक का जो लॉकर है उसको खोलने मत देना किसी को, मैंने कहा उसमें है क्या चीज, कुछ नहीं साहब। मैंने कहा तो कुछ नहीं था आप इतने परेशान क्यों, 3 दिन साहब क्यों आपके कह रहे साहब उसको खुलवाएगा कुछ रोक दीजिए वो खोल। 2-3 दिन बाद उसे ये कहता था साहब उसके अंदर कुछ नहीं है। 4th दिन उसने बताना शुरू किया साहब देखिए ये इंक्रिमिनेटिंग पीसेस ऑफ एविडेंस है और जो एविडेंस है वो तो है ही, उसमें मेरी देविका के लव लेटर रखे हुए हैं, अगर वो मेरे उजागर हो गए तो मेरे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले जब आए कोई आदमी आए तो आपको हो सकता है कुछ नहीं बताया, वो आपसे ये कहता मैं निर्दोष हूं मुझे बचा, और तो ये आपकी ड्यूटी है एक डिफेंस लॉयर के खिलाफ कि आप उसको पूरा ग्रिल करो। अगर उस सीन ऑफ क्राइम पे क्योंकि आप ही कोई इलाका होगा अगर आप जा सको तो उसको भी जाके देखो क्योंकि साइड मैन आप महसूस करेंगे बाद में आप अनुभव होगा। कई बार साइड मैन ठीक से नहीं बनता, जब आप साइड पे जाए तो ये देखिए कौन सा विटनेस कहां पर है, उसको साइड मैन से कोऑपरेट कीजिए।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई बिजनेस कह रहे मैंने यहाँ से खड़े होकर नेपा में सुनील दवा पता चला कि वहां पे ग्रोथ बनी हुई है वो देखेगा क्या या वहां पे दीवार है वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे वो क्या देख पाए। इसलिए जरूरी कि आप उस साइट पे अगर जा सके तो जरूर जाए क्योंकि उससे जितना आपको अनुभव होगा तजुर्बा होगा आपको नॉलेज गेन होगी वो आपको कोर्ट रूम में नहीं ना आपका मौखिक उत्तर आपको बता पाएगा क्योंकि वो तो करता है उस सीन का उसको याद नहीं कि चारों तरफ क्या चीजें उसका एम है कि मुझे ये अकम्पलिश करना है मर्डर हो या डकैती हो या चोरी हो जो कुछ भी उसको अफेंस कर इसलिए आपका फर्ज है कि आप वहां जाके पास साइड देख गए। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा जो जनरल स्ट्रेटेजी एज अ लॉयर सबसे पहले नो योर लॉज। जब तक आप अपने तीन एक्ट को बिल्कुल रट के खोल के नहीं पी लेंगे तब तक आप सर्वश्रेष्ठ प्रतीत तो नहीं है और अगर आपको क्रिमिनल लॉ में रुचि है और आप चाहते हैं कि आपको सर्वश्रेष्ठ प्रतीत माना जाए तो आप आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को तो बोर्ड के पी जाइए। जैसे आरजीएस की तैयारी में लोग आप बैठते हैं तो एक एक आपको प्रावधान लगा सकते हैं पापा फुल स्टॉप के साथ सेक्शन 299 सीआरपीसी ये है 154 ये है 156 ये है। तो पहले तो आप जितना कानून पढ़ सके जितने बेल एक्ट पढ़ सके और खासकर तीन तीनों कानून के वो पढ़िए। दूसरी चीज जब सभी में कोई आपके पास केस आए तो आप देखिए कि ऑफेंसेस क्या क्या बताए जा रहे हैं और पहले उन ऑफेंसेस को पढ़िए और जब आप पढ़िए तो उसका विश्लेषण करिए उसका एनालिसिस कीजिए इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं। जैसे चीटिंग लीजिए चीटिंग का क्या क्या एलिमेंट होता है रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन हम किस चीज को कहते हैं फ्रॉडुलेंट किस चीज को कहते हैं फ्रॉडुलेंट कहां नहीं के लिए डिसऑनेस्टी हम किसको कहते हैं एक एक शब्द को क्रिटिकली एनालाइज और फिर पूरा एक बार बैठ के देखिए कि देखिए इसके कितने एलिमेंट और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप चार्ज बैरिस पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली तो ट्रायल तो शुरू होगा चार्ज बहस से तो जाहिर है जब आपको कहा जाएगा कि आप चार्ज बहस कीजिए तो हम जाके हाथ खड़े कर तो नहीं सकते उस वक्त कह तो नहीं सकते आजाद आपको जो मना है आप चार्ज लगा देना मेरे मुख्य को मैं बाद में सुना दूँ। जाहिर है कि सबसे पहली जो हमारी लड़ाई शुरू होगी महाभारत का पहला दिन वो भी चार्ज के दिन तो पहले तो आप बैठ के देखिए जैसे आपके पास एफ आई आर है या आपको जब चालान पेपर मिले सबसे पहले तो चालान पेपर को एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिए भी शुरुआत कीजिए एफआईआर से। एफआईआर से पता चलता है कि आधार क्या है प्रोसिक्यूट केस का अभियोजन पक्ष का आधारशिला क्या है नीम क्या है इस केस में उसमें देखिए अच्छा अब ये ऑफेंसेस बनते हैं तो फिर ये देखिए ऑफेंसेस के लिए एलिमेंट और ये फैक्ट्स हैं तो इससे तालमेल बैठता है कि नहीं बैठता क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा एक सिविल वकील और क्रिमिनल वकील में बहुत बड़ा फर्क होता है। सिविल वकील जब जाता है तो क्या बहस करता है वो कहता है देखिए ये कानून है और ये फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स इस कानून के दायरे में पूरी तरह से आते हैं इसलिए आप कानून को लागू कीजिए और इसका बेनिफिट इसका फायदा मेरे मुक्तिल को दीजिए ये डिग्री मेरे फेवर में पास कीजिए ये सुनिए दावा यही होता है पर तो आप इससे बिल्कुल विपरीत बहस कर रहे हैं। कानून ये कहता है फैक्ट्स ये फैक्ट्स कानून में नहीं समा पा रहे हैं मिल नहीं पा रहे तालमेल नहीं बैठ रहा है इसलिए कृपा करके ये कानून मेरे मौकिल के ऊपर मत लागू कीजिएगा इसलिए इस आदमी को बरी कीजिए। तो हमारी जो क्रिमिनल लॉ की जो बहस होती है बिल्कुल अलग होती है हम उसको कानून के दायरे से निकालने में ज्यादा इच्छुक है बजाय कहने की कानून के दायरे में आदमी आता है वो तो प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन ये कहेगा देखिए धारा 304 बी डाउरी डेथ के तीन एलिमेंट्स डाउरी डिमांड टॉर्चर फॉर डाउरी डिमांड सोन बिफोर डेथ डाउरी डिमांड डेथ अंडर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस ये तीन एलिमेंट। डिफेंस काउंसिल कहेगा साहब एक मिनट है ये पहले तो डाउरी की डिमांड कुछ नहीं सोन बिफोर डेथ कुछ नहीं या डेथ नहीं है कम से कम ना सुसाइडल ना होमसाइडल डेथ
डेथ हो सकता है प्राकृतिक कारण से हुई हो। तो एक वो तीन एलिमेंट में से एक एलिमेंट आप हटाएंगे या तीनों एलिमेंट हटाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहस क्या है कि देखिए कानून ये कहता है फैक्ट्स इसमें नहीं, कोऑर्डिनेशन ही बेटर, इसलिए आपके साथ भी बनी करें। इसलिए बहुत जरूरी जानना है शुरू से कि ऑफेंस क्या क्लेम किया जा रहा है। सही बात आपको दिखाएगा कि ऑफेंस को कोई एक चीज बना के लाने के चार्ज से एक चीज बना के लाने चार्ज शीट में जो चार्ज बताया गया उसके खिलाफ मतलब आपको लगेगा कि बनते ही नहीं है। तो इसीलिए जरूरी कि जब आपको चार्जशीट दी जाए सर्वप्रथम आप ये देखिए चार्जशीट को पूरा देखिए कि सारी चार्जशीट में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर नहीं है तो सर सबसे पहले दिन जाके ऑब्जेक्शन रेज कीजिए साहब ये डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। कई बार होता है साइट प्लान नहीं होती, कई बार होता है एफएसएल की रिपोर्ट गायब, कई बार होता है कि एक रिकवरी मेमो गायब, तो आप उसमें देखिए और रेज योर ऑब्जेक्शन, तुरंत जाके ऑब्जेक्शन रेज कीजिए साहब मुझे ये मिलना चाहिए क्योंकि वो अधिकार है आपके वकील का 12207 के अंदर कि उसको संपूर्ण चार्जशीट की कॉपी मिले। उसके बाद जब आपने उसको पढ़ लिया एक अच्छी तरह से तब आप देखेंगे चार्ज बहस में आपको क्या चार्ज बहस कर आप उसको कैसे कहेंगे देखिए चार्ज नहीं बनता हामिया बताइए। दूसरी चीज ये उस व्यक्ति को भी समझाए जज को भी समझाए कि देखिए ये चार्ज आप लगा दे मान लीजिए 7 आदमी है 149 का केस आया कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को वही चार्ज लगेगा। अगर उसने से दो मेल एक्यूज है धारा 302 के तो जाहिर उनके ऊपर धारा 302 सिंपल सेंटर का चार्ज लगना चाहिए और सबके खिलाफ 302-149 करना। तो जज साहब को समझाएंगे देखिए सबके खिलाफ आप 302 नहीं लगा सकते आपको 302-149 लगाना तो उसके लिए आप एनालाइज कीजिए किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा चार्ज लगना चाहिए। अगर चार्ज से आप शुद्ध हैं और आपको लगता है कि गलत चार्ज लगाया गया है तो प्लीज तुरंत लिमिनेशन फाइल ये नहीं कि आप सोचे ठीक है चार्ज अगर गलत है क्या कोई बात नहीं फाइनल आर्ग्यूमेंट में आप इस मुद्दे को उठाएंगे और कहेंगे डीलो को फाइल करो नहीं आप उसी वक्त चार्ज को चैलेंज कीजिए कि चार्ज डिविजनल है डिविजन कोर्ट के सामने जाइए उनसे कहेंगे चार्ज पास कीजिए इन कारणों से। दूसरी चीज जब चार्ज डरता है तो आप अपने मौके को बैठ के चीजें से समझाए कि उसके ऊपर चार्ज क्या है। जब वो चार्ज समझेगा तभी वो आपको बता सकता है कि देखिए इसके अंदर ये खामियां मुझे नजर आ रही अगर वो नहीं बता पा रहे कि क्या खामियां नजर आ रही उसको दोबारा से क्रॉस एग्जामिन ये पता लगाने के लिए कि देखिए जेनेसिस क्या है इस केस की शुरुआत कहां से हुई। अगर लड़ाई का मामला है तो ये तो पूछिए उसी वही लड़ाई हुई क्योंकि अक्सर आप देखेंगे उसमें यही आता है कि साहब वहां पे वो गए और उसने मार दिया विक्टिम तो ये कहेगा मैं तो अपने घर पे चबूतरे पे बैठा हुआ था ये आदमी आया फर्सी लेके कुल्हाड़ी लेके और इसने आके मेरे ऊपर फर्सी चला दी ठीक है तो जाहिर है वो कहानी वहां से तो शुरू हुई थी आपको मौके पर पागल आदमी तो था नहीं कि जाके फर्सी चला दी जाहिर है इसका एक कोई सबक होगा कोई कारण तो सारे पूछे भाई मोटिव क्या है वहां क्या हो सकता ये इसलिए क्योंकि आपको जब जनरल एक्सेप्शन आप लोग पढ़ेंगे तो कई सारे आपको जनरल एक्सेप्शन मिलेंगे। आईपीसी को देखिए ये ऐसा कानून है जिसमें ऑफेंसेस बाद में डिस्क्राइब किए गए जनरल एक्सेप्शन पहले डिस्क्राइब किए गए तो जानिए कि जनरल एक्सेप्शन क्या है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि साहब उसने फर्सी चला दी ठीक है ये कार अभियोजन पक्ष की कहानी अब आप उससे मुझे फर्सी क्यों चले वो आपको कहता है साहब ये बात हुई मुझे गुस्सा आया लड़ाई हुई उसने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया या उसने मेरी बच्ची को खींचने की कोशिश करी तो आपका प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस शुरू हो गया। आप समझिए उसका जेनेसिस क्या हो शुरुआत क्यों उसके अनुसार ही तो आप अपना डिफेंस बनाना शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी तो साथ के पास पूरा अवगत कराए देखो ये तुम्हारे खिलाफ चार्जेस है जब तक वो अपनी चार्ज नहीं समझेगा वो आपको कुछ मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब आप प्रोसिक्यूशन आप जानने वाला है कि एविडेंस लीड कर लेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करूं
ये पहले सोचिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है और आप किसको क्रॉस एग्जामिन करना चाह रहे हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन वैसे तो सबसे अगर पेचीदा कोई चीज है फर्स्ट जाने की रुकावट में वो है क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई आपको बैठ के सिखा दे। ये दो मंथ होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जो आप तजुर्बे से ही समझेंगे, पर उसके लिए दो चीज बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम आप देखेंगे जो विटनेस आए वो किस तरह का व्यक्ति है, और किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए भी दो तीन चीजों की जरूरत है। नंबर वन, आप जितने लोगों से इंटरेक्ट कर सके अपनी जिंदगी उनसे कीजिए, क्योंकि आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। जब आप अकेले ही बैठे हुए किसी बिजी जगह में रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं किसी ट्रेन या बस आने में, लोगों को देखते रहिए कि कोई आदमी किससे किस तरह से बात करता है, क्योंकि एक चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। अधिकांश चीज हम लोगों के समझते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। कई बार जब आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे आप देखिए कि अगर आदमी नर्वस होकर जाएगा तो अपनी नाक से खेलना शुरू करेगा, ये आपका इंडिकेशन है कि अब ये विटनेस नर्वस होता जा रहा है। ठीक है, अगर वो बहुत नर्वस हो जाएगा वो पानी मारना शुरू करेगा, उसका गला सूखना शुरू करेगा, वो होठों पे अपने जुबान लगाना शुरू करेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एक अच्छे व्यक्ति को बताना शुरू करती है कि अब ये विटनेस किस तरफ टिल्ट होता चला जा रहा है। क्योंकि जब तक आप विटनेस की पर्सनैलिटी नहीं समझेंगे तब तक आप उस विटनेस को तोड़ नहीं पाएंगे। और आपका जो सबसे ज्यादा आपका जो मिशन है क्रॉस एग्जामिनेशन में वो है कि किसी भी विटनेस को किस तरह से तोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी विटनेस की जो विश्वसनीयता होती है, जो सत्यता हम उभार के लाते हैं या हम पता करते हैं, वो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन से होती है। अगर आप उसको तोड़ नहीं पाए तो जाहिर है अभियोजित पक्ष का जो केस है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाएगा। तो उस व्यक्ति को आप तोड़ेंगे कैसे? मान लीजिए आदमी बहुत गुरूर वाला, आप ये सोचिए साथियों का गुरूर में अभी कैसे, मान लीजिए आदमी कोई आपको देखते बहुत कुंठित है, तो उसकी कुंठाओं को उभार के मैं कैसे ले। कई बार होते हैं, जैसे एक बार हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी ट्रायल कोर्ट में, जो लेडी आई वो पूरे टाइम घूंघट में थी। अब ये बहुत बड़ा एक हैंडीकैप हो जाता है, क्योंकि जब तक आप फिटनेस का चैनल नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाते फिटनेस कर क्या रहा है। क्योंकि कई बार जब वो झूठ बोलना शुरू करता तो उसके आंखें इधर उधर घूमना शुरू होती है, बल्कि अगर कोई घूंघट में तो आपको क्या पता उसकी आंखें इधर उधर होने की नहीं हो रही अंदर, बल्कि बस ये था उसको किसी तरह ऐसे जाल में फंसा दो कि वो कुछ ऐसा बोल जाए जो अस्वाभाविक। तो हुआ ये कि हमने उनसे पूछा कि आपकी बिटिया की उम्र कितनी है, उन्होंने कहा 18 साल, और मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है, उन्होंने कहा 22 साल। सर ये तो हो नहीं सकता कि माँ को 22 साल की उम्र बेटी 18 साल। ठीक है, तो आपको स्टडी करना पड़ता है कि भाई भाई इस विटनेस को किस तरह से घुमाओ कि वो ऐसा जवाब दे दे जो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने का इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप बहुत लंबे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि याद रखिए जितने सारे आप प्रश्न पूछेंगे उतना ही हो सकता है आप अपने केस को कमजोर कर दें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन पहले से बना के रखिए, पहले तो उसका देखिए 161 का बयान करें, फिर देखिए एग्जामिनेशन चीफ में उसने क्या कहा, फिर उनको तालमेल बैठाइए कहां वो ओमिशन करता है, ये ओमिशन के कॉन्ट्रडिक्शन की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा, या ये इतना माइनर ओमिशन है कि इसको जाने दो, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कराना है तो कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट ऑफ कीजिए, उससे बातें कैसे निकलवानी ये सोचिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हरेक विटनेस को अपने डिफेंस की कहानी इंट्रोड्यूस कराइए, उससे वो प्रश्न पूछिए जो आपके डिफेंस को या तो प्रोबलाइज कर रहे हैं या जज के दिमाग में शुरू से ये डालते हैं कि देखो ये कंसिस्टेंटली यही डिफेंस स्टोरी चलती चली आ रही है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके लिए ये भी जानना होता है कि विटनेसेस कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम तो प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, दूसरा आपका डिफेंस विटनेस होगा,
तीसरा एक हॉस्टाइल फिटनेस होगा, चौथा एक बोर्ड फिटनेस होगा। याद रखिए बोर्ड फिटनेस से आप उसके प्रीवियस स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड आप उसको आधार के क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। और ये भी देखिए कि हॉस्टाइल फिटनेस है तो इससे आपको कितनी मदद करे, क्योंकि जाहिर है जब हॉस्टाइल होगा वो तो प्रोसिक्यूशन जो है उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा और फिर आपको चांस दिया जाएगा उसको री एग्जामिन करने। तो जब आप री एग्जामिन करेंगे तो आप उसके मुझसे कितनी बातें निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको लघु करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो कुछ तो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट भी कर लेगा। मान लीजिए वो कहता है जो साइड प्लान था वो मैंने मेरे सामने नहीं बताया, तो आप स्टूडियो से पूछेगा ये जो दस्तखत है वो तो आपके लिए ना, आशा ये तो मेरे, तो अब मुद्दा ये उठेगा अब आप उससे क्या पूछोगे, जाहिर आप उससे ही पूछोगे लेकिन जब दस्तखत तुमने किए थे तब तो थाने में करते, थाने में दस्तखत कराए करते, वो कहेगा हाँ साहब कराए गए, तो आपने क्या किया आपने उस दस्तखत होने से भी बचा लिया अपने आप, यानी कि साइट पे नहीं कराएगा। तो आपको भी ये देखना है कि उसको री एग्जामिनेशन जब आपको दिया जाएगा टाइम तब आप उससे क्या पूछोगे हॉस्टल फिटनेस से, उसी पर एक चाइल्ड फिटनेस होता है। चाइल्ड फिटनेस से आप कैसे डील विद करोगे, क्योंकि जाहिर है चाइल्ड फिटनेस से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि बोर्ड ही नहीं अलाउ करेगी, आपको कहा जाएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछो, उस चाइल्ड की साइकोलॉजी समझो, ये बच्चा किस तरह का, इस बच्चे की साइकोलॉजी उस वक्त किस तरह की, और जब उसने एक वाक़ा देखा एक हादसा देखा तो उसके साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट क्या है, तो जाहिर है आप उससे अलग तरीके से सवाल करेंगे। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग फिटनेस क्या है, इंटरेस्टिंग फिटनेस से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि जाहिर है मुद्दा क्या फायदा, आप ये नहीं कहेंगे फाइनल टेस्टिंग साहब ये क्योंकि इंटरेस्टिंग फिटनेस था इसलिए आप इसके दरकिनार करते हैं टेस्टिंग, उल्टा आप ये कहेंगे कि ठीक है ये जो बात कर रहा है क्योंकि उसको कॉरोबोरेशन आ रहा है, तो आप उसको इस पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे कि देखो तुम्हारी बात में कोई कॉरोबोरेशन नहीं आ रहा है, या वो चीज पूछेंगे जो उसके बात को कॉन्ट्रडिक्ट करी डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि एक सिद्धांत और होता है फौजदारी का, लोग आप झूठ बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते, ये एक प्रेजम्पशन होता है जो कोर्ट लेके चलती है। तो अगर आप ऐसी चीज को उसके मुंह से कहवा दीजिए विच इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय डॉक्यूमेंट, और इसमें जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप उसे ये कहवा सके कि प्रोसिक्यूशन भी ये स्टोरी लेके आया कि फर्सी की चोट, तो बाद में पता चल रही वहां तो ब्लंट वेपन की चोट आई, ठीक है इंजरी रिपोर्ट में तो ब्लंट वेपन की है, जाहिर है ये तो पॉइंट आपके फेवर की है, ठीक है कॉन्ट्रडिक्शन है चश्मदीद गवाह के बयानों में और मेडिकल एविडेंस, जाहिर हम मेडिकल एविडेंस को ज्यादा मानेंगे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, ये चश्मदीद गवाह झूठ बोल सकता है। तो इससे आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंग फिटनेस को तोड़ने का क्या तरीका है, उसे कितनी कॉन्ट्रडिक्शन करो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। जब आप डिफेंस स्टोरी बनाएंगे तो आप प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को देखेंगे और उसके साथ एक पैरेलल स्टोरी बनाएंगे, या आपकी जो जनरल एक्सेप्शन है उसकी आधार पे आप अपना डिफेंस बनाएंगे। इसमें जरूरी है कि जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है प्लीज उसको पढ़िए। मान लीजिए आपके पास एक केस आता है, एक आदमी कहता है कि साहब ये गाड़ी जो चला रहा था नेशनल नेग्लिजेंट तौर पर चला रहा था, इसने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है मैं पैदल जा रहा था ये आदमी आया उसने एक्सीडेंट कर दिया, अब इसका डिफेंस आप क्या लेके आएंगे, जाहिर है आपका सबसे बढ़िया डिफेंस जो होगा वो होगा नेसेसिटी का, परंतु अगर आप नेसेसिटी के डिफेंस को लिख पड़े जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में तो कैसे जानेंगे। अब आपका डिफेंस याद है कि साहब मैं तो गाड़ी बिल्कुल आराम से चला रहा था, सडनली बच्चा दौड़ते हुए बीच सड़क पे आया, अब मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं उस बच्चे से टकराऊं, और अगर मेरी गाड़ी उस बच्चे से टकराती जाहिर तक वो स्वाभाविक तो वो बच्चा मर जाता, या मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल मोड़ लूं और मोड़ने के चक्कर में ये आदमी था इससे टक्कर लगी, और तो अगर मुझे एक आर्मी, ये मेरा डिफेंस ऑफ नेसेसिटी है, पर आईपीसी ये कहता है कि नेसेसिटी इज अ गुड डिफेंस। अगर कोई कहता है कि साहब इस आदमी ने इसको पीटा, तो
तो इंटॉक्सिकेशन का अगर मुझे डिफेंस लेना है तो वो स्टोरी मुझे शुरू से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस से पूछना पड़ेगा, देखो भाई जब तुम वहां बैठे थे तो तुम नमकीन भी खा लेते और यार दोस्तों में बात भी हो रही, ओके वहां साहब हम तो नमकीन भी खा रहे तो यार दोस्तों बात भी हो रही और नमकीन के साथ तुम कुछ पी नहीं रहे। उसको उस तरह से डिवेलप करते करते कि साथ में इतनी पी ली थी इसको पता ही नहीं थी कर क्या रहा है, इंटॉक्सिकेशन का तो डिफेंस तब आएगा। तो इसमें जरूरी है कि आप एक्सेप्शंस को पढ़िए क्योंकि आपके डिफेंस वहीं से निकलना शुरू करेंगे। इसके बाद जब आपके प्रोसिक्यूशन की एविडेंस खत्म हो जाती है तो उसके दो चीजों एक होगा कि प्रोसिक्यूशन की जब एविडेंस चल रही है या तो प्रोसिक्यूटर या विक्टिम दरखास्त दर्ज करेगा 319 ये कहते हुए कि देखिए ये चार लोगों के अलावा तीन लोग आओगे इनको भी आप चार मिनट सेंटेंस दीजिए, आपको उसको अपोज करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो आपकी इंटेलिजेंट नहीं है और अगर वो आदमी आ गया एज एक्यूज तो आपके क्लाइंट के ऊपर कितना असर पड़ेगा। दूसरी चीज अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ये कहता है 311 की दरखास्त देखिए कि उस आदमी को दोबारा से बुलाया जाए तो बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए या कोई ऐसे विटनेस को वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है जो विटनेस लिस्ट में नहीं था पर तो अब उसको लाना चाहता है तो ये देखना पड़ेगा कि आपको उसको अपोज करना है या नहीं करना या आप किसी विटनेस को दोबारा रिकॉल करना चाहते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन तब आप 311 की दरखास्त लगाएंगे। तो उसके ऊपर देखिए 311 के एंट्री क्या होता है, स्कोप क्या होता है, हम कब दरखास्त लगा सकते हैं, 319 को अपोज करने के लिए क्या क्या हमारे पास शस्त्र है, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट क्या कहता है, कोई जरूरी कि उसका कन्विक्शन शुरू से ही एक तरह से शर्तिया हो जाए या रीजनेबल ग्राउंड हो या केवल सस्पेशन ही काफी है। So, 319 को आप अपोज कैसे करेंगे जब प्रोसिक्यूशन की सारी एविडेंस कंप्लीट हो गई तो आपका आपका सबसे महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव डिफेंस की तरफ से जिसको आप कहते हैं कि अभियुक्त के बयान पर रिकॉर्ड करना धारा 313 धारा 313 को जनरली हम लोग बहुत छोटी सी चीज समझते हैं और हम ज्यादातर वकील उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि धारा 313 की बहुत अहम भूमिका होती है क्रिमिनल ट्रायल। पहले तो उस व्यक्ति को समझाइए कि देखो जो तुम्हारा बयान होगा तुम जो कुछ भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए ये मत कह देना कि गलत है नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम, इस तरह का आप समझते कोशिश ये करना है पहले तो तुम समझना कि वो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपके मुद्दे से वो बहुत पेचीदा है, बहुत सारी बातें एक साथ पूछी जा रही है, जज साहब से है आप एक एक करके फैक्ट पूछिए, ये नहीं कि आपने चार फैक्ट इसको एक साथ डायरेक्ट कर दिए और बेचारा घबरा गया समझ नहीं पा रहा कि मैं किस फैक्ट का जवाब दे रहा हूं। उस वक्त आप तो अधिकार है आपकी जिम्मेदारी का जज साहब को रोके और उनसे कहें कि देखिए एक एक फैक्ट डायरेक्ट करना शुरू। दूसरी चीज जो कोई भी इंटरनेटिंग एविडेंस है उस सबको आप डायरेक्ट कीजिए इस व्यक्ति के साथ। तीसरी चीज उस व्यक्ति से कहिए आप सोच समझ के जवाब दो और तुमको जो कुछ कहना है डिफेंस में अब अपनी पूरी कहानी को। अगर कोई कहता है कि देखिए ये मेरे पोजेशन से नहीं चीज बराबर तो वो बताए कि किस हालात में प्रोसिक्यूशन तो कहना है इसी व्यक्ति के पोजेशन से, वो बताए कि वो क्यों मानता है कि उसके पोजेशन से नहीं, ये मेरे घर से नहीं हुई, घर से जब हुई तो ताला खुले होते घर छड़ा हुआ था खाली, ये बाहर से बरामदगी हुई है या बरामदगी बिल्कुल मेरे कहने पे नहीं हुई है, ये बरामदगी जो है वो झूठी बरामदगी है। तो एक चीज का वो खुलासा करना शुरू करे और इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपकी प्रश्न होता है जो अदालत पूछती है अभियुक्त से आपको और कुछ कहना है। वो समय आगे जब अभियुक्त अपनी पूरी राम करता है जो कुछ भी उसको डिफेंस लेना है जो कुछ उसको डिनाई करना है। अगर मान लीजिए जैसे अभी हमारे केस में
नारकोटिक्स का केस है, कन्फेशनल स्टेटमेंट तीन है, उसने एक दरख्वास्त दी थी कि मैं रिट्रैक्ट करता हूँ अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट से। उस केस में है कि उसने रिट्रैक्ट अपने 313 के बयान में भी किया और उसने साफ कहा है कि किस इस परिस्थिति में ये बयान दिए गए, मुझे मार पीट के धमका के डरा के ये बयान दिए गए थे, ये स्वेच्छापूर्ण बयान नहीं। तब से उसकी कहानी तुम हमारे सामने आ गई है, इसलिए आप अपने मुद्दे को समझे कि देखो धारा 313 का जो तुम बयान दोगे वो सबसे महत्वपूर्ण बयान। अगर आपको लगता है कि उस आदमी को विटनेस स्टैंड को उतार देना चाहिए और आपको लगता है कि आदमी इतना निर्दोष है और इतने ठोस तरीके से अपना केस प्रस्तुत कर पाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विटनेस स्टैंड कर पाएगा, तो सेक्शन 315 में तुम विटनेस बन जाओ एज अ डिफेंस, जिससे कम से कम तुम अपनी पूरी बात कह तो सको अदालत के सामने। उसके बाद आपको ये सोचो कि चलो 313 के बयान हो गए, अब मैं डिफेंस विटनेसेस किसको हूं, किस तरीके लोग, कोई जरूरी नहीं कि हम 10-20 लोगों को ले आए, अगर हमें लगता है कि 5 लोग ही कह सकते हैं हमारी कहानी तो कृपया करके 5 लोगों की लेके और उनको भी समझाए कि तुम वहां जाके क्या करना, उनको ये भी समझाए कि देखो जब क्रॉस एग्जामिनेशन आप लोग का होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट के वकील के द्वारा, तो इन बातों से सतर्क रहिएगा और उनसे बुरी कहवाएं जो आपकी स्टोरी को बढ़ावा देते हैं, जो आपकी स्टोरी को कॉरोबोरेट करते हैं। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट आपका होगा तो आप अपने डिफेंस विटनेसेस पे भी एम्फेसिस दीजिएगा, क्योंकि एक गलती जो हमारे न्यायाधीश लोग करते हैं जब वो जजमेंट लिखाते हो प्रोसिक्यूशन की तो सारी स्टोरी बताते हैं जज की और तो डिफेंस की स्टोरी कोई नहीं बताता, और एक अच्छी चीज है कि वो नहीं बताते क्योंकि अपेलेट कोर्ट में जो काउंसिल होता है एक्यूज्ड का उसको सबसे पहले ग्राउंड ये मिलता है, साफ होता तो दोनों ही कहानी सुनी, मेरी कहानी कोई सुनी नहीं और मेरी कहानी का कहीं विश्लेषण ही नहीं हो रहा है, ये तो मेरे बिना सुने हुए मेरी कहानी को दरकिनार करके मुझे प्रोटेक्शन दे दिया गया। पर तो जरूरी है कि जब आप अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो सोचिए कि आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट के दिन आपको क्या क्या करना है। सर्वप्रथम जज को यह समझाने की देखिए प्रोसिक्यूशन तो एक कहानी लेके आया, अब उसको आपको पॉइंट करना है कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में खामियां क्या क्या होती है, और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है जो हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया था, जब उन्होंने सिखाया था कि अपील कैसे तैयार की जाती है, आपके पास फाइनल डेट फाइनल देने के पहले आपके पास सारी एविडेंस आ गई, बैठ के एक रजिस्टर बने एक पतला सा, उसमें एक एक गवाह के बयान लिखे, एग्जामिनेशन चीफ में क्या उसने कहा, क्रॉस एग्जामिनेशन उसने कहा, बगल में जगह छोड़ दी है, और मैं कारण भी बताता हूं बगल में क्यों मैं जगह छोड़वा रहा हूं, हर एक साक्षी के बयान पर भी एक एक लाइन नोट डाउन, जब सारे साक्षियों के बोल जाए तो फिर दोबारा से पढ़िए और फिर देखिए किस पॉइंट पे कौन से साक्षी किस साक्षी को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, वो जो जगह खाली छोड़ी हुई ना उसको लाल शाही पेन से लिखिए, P.W.1 contradicts P.W.5 topic this, P.W.3 contradicts P.W.8 topic this, क्योंकि जब आप अभियोजन के केस को तोड़ने जाएंगे तो आपको एक एक चीज आर्ग्यू करनी पड़ेगी उस जज के सामने, अगर आप इस तरह से उसको और एक पूरा चार्ट बनता है इसका बात अगर आप इस तरह से बताएंगे जज को, और खासकर सबसे बेहतर होता है अगर आप जज को बहुत ही इंप्रेस करना चाहते हैं तो देखिए PW एग्जामिनेशन इन चीफ पेज नंबर 2 लाइन नंबर 100 ऊपर से या नीचे से, और जब से कहीं पलटी पन्ना पेज नंबर 3 पे जाइए लाइन नंबर 8 ऊपर से मौके 8 नंबर की लाइन पढ़ना चाहिए, और ये देखिए इस व्यक्ति ने ये कहा, आप जाइए PW5 लाइन नंबर 2 पेज नंबर 5 ये व्यक्ति ये कह रहा है कॉन्ट्रडिक्शन ये है, यानी कि दो गवाह एक ही चीज के बारे में कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन, तो दोनों झूठे या इनमें से एक झूठा है। अगर आप
उस तरह की तैयारी करके जाते हैं तो सबसे पहले चीज होती है कि जो मास्टिंग बैठा उसको लगता है भाई आज तो कोई ज्यादा ही तैयारी करके आगे मैं तो बिल्कुल ही ठोस बहस करने जाता उसकी सिंपति उसका दृष्टिकोण सर्टी आपके तरफ टेस्ट करता और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप केस हार भी गए तो मौके के दिमाग में ये रहता है कि भाई जितना मेरा वकील कर सकता था उसने जद्दोजहद करके सारी जान लगा के इसने मेरी बहस कर दी। हो सकता है वो जेल जाएगा पर तो पांच लोगों को अपने गांव वाले से जरूर कहेगा अगली बार वकील चाहिए ना फलाना वकील के पास जाना, वो आपकी नेक्स्ट 10 मौके भेजेगा आपके पास क्यों, क्योंकि वो कन्विंस्ड हो गए कि आपने जितना आप कर सकते थे खून पसीना बहा के आपने उसकी बहस करी। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे तोड़ेंगे अभियोजन पक्षी कहानी को पॉइंट वाइज, पहले तो देखिए कितने बिंदु निकलते हैं। जब आप उसको तोड़ते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर केस लॉ लेके जाएंगे। मान लीजिए एज डिटरमिनेशन का केस आता है, अक्सर हमारे सामने मुद्दा आता है प्रोसिक्यूटर्स के माता पिता कहते हैं 15 साल की ये देखिए स्कूल सर्टिफिकेट 15 साल करता है, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि 18 से 20 साल की है। आप ये तो देखिए कि एज डिटरमिनेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में किस डॉक्यूमेंट को ज्यादा एक्सरसाइज करें, आपका राजस्थान हाईकोर्ट क्या करता है। जब आप बहस करेंगे देखिए रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए बजाय कि माता पिता और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को, तो आप कहेंगे देखिए साहब ये तो 3 सुप्रीम कोर्ट और 2 हाईकोर्ट की रूलिंग। एक आपके को बांधने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बढ़िया तरीका है साइटेशन। अगर आप 5 साइटेशन ले रहा हो किसी भी मुद्दे पे तो उससे 2 कारण ही आपके बन जाता है। पहला कारण कि उसको लगता है कि भाई हमें इनसे तो डिसएग्री करनी सिर्फ हम क्योंकि ये तो माय लॉर्ड राजस्थान हाईकोर्ट वालों ने कहा और उसके ऊपर माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा। दूसरी चीज हम लोग को जो लगता है जज के नाते जब कभी हम जजमेंट लिखाते हैं तो हमें भी डर लगता है कि भाई ऊपर से लताड़ नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ऊपर से लताड़ पड़ेगी तो हमारे हमारी तोहीन होगी। बार बार ये कहेंगे बैठे थे उस दिन बहुत जोर जोर से बोल रहे थे जज साहब देखो पड़ गई लताड़ है ना, और उनके जो कॉलिंग्स है वो तो और भी हंसी उड़ाएंगे कि क्या था आपका जजमेंट हाईकोर्ट और देखिए क्या हर्ष हुआ आपके जजमेंट का। एक हाकिम को भी चाहिए कि इसको इतना मसाला दे दिया जाए कि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी बांधते। अगर आप उसको इतने साइटेशन दे देते इतने मसाला दे देते तो उसको लगता है अगर मैं इतने कोर्ट कर दूंगा तो हाईकोर्ट का कोई जज इसको हिला नहीं पाएगा, तो वो आपके तरफ एक बहुत शुक्रिया की नजर रखता है आपने बहुत अच्छी मेहनत की आपने मेरा काम सरल कर दिया। तो इसमें केस लॉ लेके चाहिए हर एक पॉइंट के ऊपर। दूसरी चीज जब आपने प्रोसिक्यूशन के केस को पूरा डिमोलिश कर दिया पूरा तोड़ फाड़ के नष्ट कर दिया फिर आइए अपने डिफेंस को और कहिए जनाब अब आप देखिए डिफेंस ने क्या आपके सामने पेश किया। अगर आपको लगता है किसी केस में प्रेजम्पशन आपके खिलाफ जा रहा है जैसे डाउरी डेथ के केस में जाता है नार्कोटिक्स के केस में जाता है तब आप उस प्रेजम्पशन को रिपर्ट करने की कोशिश कीजिए अपने एविडेंस और बताइए कि देखिए किस तरह से मैं इस प्रेजम्पशन को रिपर्ट करना चला जाऊं। संक्षेप में आप पूरी बात करती थे और सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसको रिटन आर्ग्यूमेंट्स साथ साथ होते हैं क्योंकि रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक जुडिशियल रिकॉर्ड में पार्ट बन जाता है। कल को अगर आप यहां केस भेजेंगे मान लीजिए आपने कोई मुद्दा उठाया था जो नहीं डील विथ हुआ जज तो आपके जो वकील साहब यहां पर वो दिखा सकते हैं देखिए रिटन स्टेटमेंट में पॉइंट था पर किस व्यक्ति ने उठाया था पर तो उन्होंने ये चीज नजरअंदाज कर ये तो हुआ आपका एक डिफेंस काउंसिल तौर पर। अब मुद्दा होता है कि आप एक एडवोकेट पर क्या होता है रोल नंबर 1 आपके 3 रोल जैसे मैंने कहा आप असिस्ट करेंगे कोर्ट में सबसे पहला आपका रोल है आपके मौके के वकील से कभी झूठ मत बोलो। अगर उसका केस स्ट्रांग हो तो सिर्फ और तुम्हारे केस स्ट्रांग है कमजोर हो तो कहो कि हाँ कमजोर है पर तो कोशिश करते हैं इसको स्ट्रांग करने की और देखते हैं हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी तुम्हारे केस को स्ट्रांग करने की।
कई बार होता है कि मौके सोचे छोटी सी चीज है, हो सकता है आपको नहीं बताएगा, पता चला कि वो जो छोटी सी चीज उसको नजर आती है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। तो इसीलिए जब आप उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो उसको पूरा बताइए कि देखो छोटी सी चीज को भी मत छोड़ो, उसको पूरी पानी मुझे बता देता हूँ। और कोई जरूरी नहीं कि जब आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें अपने चेम्बर में बैठते तो एक ही बार, हो सकता है आपको पांच बार करना, हो सकता है आपको लगे कि अभी कुछ नहीं बताएगा परंतु कहीं किसी कॉन्वर्सेशन में बात करेगा आपसे और सर भी आपको स्ट्राइक करेगा कि ये तुम्हारे को विटनेस से पूछ सकता हूँ। तो आप जितना उसे खुल के बात करेंगे, जितना उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, जितना आप उससे पूछेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी पर तो उससे जरूरी कि हम उसका पहले ट्रस्ट गेन करें, उसको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कई मौकों के दिमाग में ये जो होता है पता नहीं है कहीं आप दूसरी पार्टी से मिल रहे हो, तो आप पहले उसको समझाइए, देखिए मैं एक नेक और ईमानदार वकील हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं। इसलिए जब मौके लाए मेरे गुरु जी कहा करते थे फीस केवल एक बार अफोर्ड करनी चाहिए, तभी मैं तुझसे कहो। अगर आपको लगता है कि आपको 5,000 या 10,000 मांगना है तो उसे कहो भाई टेबल पे रखने जा 5,000। अगर वो कहे कि देखिए मैं रियायती गरीब हूँ तो मैं भूल जाओ बिना पैसे के मैं लड़ूंगा, क्यों? क्योंकि उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके अधिकार के लिए लड़ रहे हो, उसके पैसे के लिए नहीं। 5,000 के बाद अगर आपका 1,000 और खर्च होता है तो कृपा करके अपने जेब से खर्च कीजिए, उससे कभी दोबारा मत मांगिए। मेरे जो गुरु थे आनंद खंडेलवाल साहब मुझसे ये कहा करते थे तुम वकील हो पर चुने की दुकान नहीं चलाते, एक बार जो कोर्ट कर दी फीस याद रखना, उससे एक पैसा भी मत मांगने जाना। क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि साहब वकील से मिलने जाऊंगा 200 रुपए और आज निकाल देगा मेरे जेब से, वो कहेगा कचौरी भी खिलाओ चाय भी पिलाओ फिर और खर्चा बढ़ जाएगा, मत ही जाओ वकील साहब के पास। वो कभी आपको रेपुटेशन नहीं कायम करती, इसीलिए सबसे बेहतर है कि आप उसका ट्रस्ट जीतिए। जैसे मैंने कहा अगर आप उसका केस हार भी जाएंगे फिर भी 5 मुक्केल आपके पास भेजेगा क्योंकि आप उसका ट्रस्ट जीत लिया। और जब आप वहां से चले भी जाएंगे आपकी हाईकोर्ट प्रैक्टिस शिफ्ट हो जाएगी तब भी वो आपको केस भेजता रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं आदमी ईमानदार, और ईमानदार वकील आज की तारीख में मिलना लोगों की धारणा ये होगी बहुत मुश्किल है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती जाती है। दूसरा आपका रोल है आपके कॉलिग्स के ऊपर, कई बार देखने आपका हाईकोर्ट लेवल पे भी आता है बहस करते करते दो बार ज्यादा बहस करते अपने अपोजिट काउंसिल के बारे में बजाय केस के बारे में, नहीं वो आपका अपोनेंट जरूर है उस वक्त पर वो आपका दोस्त भी मित्र भी है कॉलिग भी है, हो सकता आपका सीनियर भी हो। अगर सीनियर को संबोधित कर रहे हैं अदालत में अदालत के बाहर तो हम किस तरह से संबोधित करते हैं, हम तू तड़ाक सुन से नहीं बात कर सकते क्योंकि वो एक ज्ञान का एक भंडार है, उनके साथ उठिए बैठिए बातचीत कीजिए जितना ज्ञान उनसे ले सकते ले लीजिए, क्योंकि वो 50 साल 30 साल का अनुभव जो तजुर्बा है वो आपको गुरु मंत्र में बता देंगे ये कर लेना। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब मैं जज बना और जस्टिस शिव कुमार जी के साथ पहली बार डीजी में बैठा मैं तो पूरी फाइल पढ़ रहा था जैसे क्रिमिनल लॉयर पढ़ता है सारे बयान पढ़ रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा ये बयान तो पढ़े जाते हैं सर इसी से तो पता चलेगा, उन्होंने कुछ नहीं पता चलेगा डायरेक्ट 313 का बयान निकाला, क्या कहा उसी में तो लिखा, और फटाक से पूछो उस वकील से पीडब्ल्यू 8 का बोलो वो आपके खिलाफ बोल रहा है, पीडब्ल्यू 3 आपके खिलाफ बोल रहा है, कई सारे आपको गुरु मंत्र सीनियर्स बताएंगे वो आपको अनुभव बताएंगे हमारे पास एक ऐसा केस आया था उससे हम बहुत खुश, तो आप उनसे तालमेल करते। दूसरी चीज और सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वकील को केवल कानून का ज्ञान की जरूरत है, आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जिसमें आपका ज्ञान दूसरे क्षेत्र से जरूरत आपको पड़ेगा,
बैंक में ट्रांजैक्शन कैसे होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक बैंक का केस आया, एम्बेसमेंट का केस आया, वहां पे ट्रांजैक्शन कैसे होता है, हायरार्की क्या होती है। जब एक चेक पास किया जाता है तो कौन कौन साइन करता है, इसकी एंट्री कहां कहां। ये नहीं मान लीजिए आपके पास मामल किया, जैसे एक स्मगलर का केस आया, जब तक आपको भारतीय कला का ज्ञान नहीं है कि ये खजुराहो की मूर्ति है या उड़ीसा कटक की मूर्ति है, दक्षिण भारत की मूर्ति है, आप क्या बताओगे उस जज को। आपको जब यही मालूम कि मौर्यकालीन मूर्ति और मध्यकालीन मूर्ति में क्या फर्क होता है, आप क्या बताओगे जज को। अगर आपके पास एक मिनिएचर पेंटिंग ला कर जज को, तो आप यही बता पाओगे बूंदी शैली है किशनगढ़ शैली है, तो बहस क्या कर रहे हो। हो सकता है वो बहुत अच्छी फोर्जरी हो सकता है 20वीं शताब्दी की, आज की, परसों ही किसी ने जयपुर में फोर्जरी बना के दी, पुलिस कहती साहब ये तो जेन्युइन मिनिएचर पेंटिंग है। मैं डिफेंस काउंसिल के तौर पे कहता हूँ साहब ये एक अच्छी फोर्जरी है, और मैं आपको बताता हूँ ये अच्छी फोर्जरी क्यों है। एक मिनट देखिए, ये वेजिटेबल डाई का नहीं है, ये एक्रिलिक है जो एक केमिकल होता है, ये जो ब्रश स्ट्रोक है वो स्क्वायर वाले से नहीं है, ये रैपिड वाले ब्रश से नहीं है। सो जब तक मैं बारीकी नहीं समझूंगा, तब तक मैं उस जज के सामने अपनी डिफेंस स्टोरी क्या प्रोडक्ट करूँ, ये क्रॉस एग्जामिनेशन पे क्या करूँ। जब तक आप मेडिकल जो स्टूडेंट्स नहीं जानेंगे तो डॉक्टर का आप एग्जामिनेशन क्या करेंगे। आपको मालूम है स्प्लीन क्या होती है, पैंक्रियास क्या होता है, स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है, पैंक्रियास का फंक्शन क्या होता है, पेरिटोनियम कैविटी में क्या क्या चीजें होती है। अगर आप एक मेडिकल जूस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने जा रहे, जब तक हम मेडिकल जूस प्रोड्यूस करने नहीं जानते तो हम क्या करेंगे। जब हम बैलिस्टिक्स के बारे में नहीं जानते तो हम बैलिस्टिक एक्सपर्ट से क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करें। जब हम पॉइजन के बारे में नहीं जानते कि कितने तरह के पॉइजन होते हैं, सेल्फोस होता है वो एक पॉइजन जिसका एंटीडोट आज तक नहीं बन पाया,